झज्जर में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 13 एकड़ में प्रदेश का पहला फ्लाईओवर एक्सीलेंसी सेंटर बनकर तैयार हो गया है। मुनिमपुर गांव में बनाए गए इस सेंटर में न सिर्फ देश की प्रचलित फूलों की प्रजातियां, बल्कि न्यूजीलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड के फूलों की भी पौधे तैयार की जाएगी। इस नर्सरी में एक साथ 6 लाख पौधे तैयार हो सकेंगे, जिन्हें किसान अपने खेत में ले जाकर उगा सकेंगे और जिसे बेचकर किसानों को मोटा मुनाफा होगा। बता दें कि साल 2017 में इस केंद्र की नींव रखी गई थी। किसानों को 1 रुपए से 1 रुपए 40 पैसे तक की फूलों की पौध यहां उपलब्ध हो जाएगी। ये सेंटर है हमारा हरियाणा स्टेट के बागवानी विभाग के द्वारा बनाया गया है और सेंटर का नाम है फ्लावर कल्टीवेशन एंड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। मुनिमपुर झज्जर में है ये, और ये फार्मर्स के हित को देखते हुए यहाँ पे हमारे फ्लावर क्रॉप, विभिन्न प्रकार की फ्लावर क्रॉप तैयार की जाएंगी। साथ ही साथ हमारी हाईटेक एक नर्सरी भी है यहाँ, उसमें हम वेजिटेबल की नर्सरी तैयार करेंगे। किसानों को ट्रेनिंग देंगे जो फ्लावर का काम करना चाहते हैं, सब्जियों का काम करना चाहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। और साथ ही साथ ट्रेनिंग के साथ साथ बाहर से जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से फार्मर्स को अच्छे सेंटर्स के बारे में विजिट भी कराने के लिए जाते हैं, जहाँ किसी फार्मर्स फील्ड पर या किसी ट्रेनिंग्स पर या किसी भी अच्छे सेंटर पर जहाँ वो जाना चाहते हैं, उस तरह की हम फील्ड भी यहाँ से द्वारा कराई जाती है। केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि पारंपरिक खेती से किसानों की आय बेहद सीमित होती है, लेकिन बाजार में फूलों की बढ़ती मांग के चलते किसानों की आय कई गुना तक बढ़ सकती है। इसमें सभी तरह के हम फूलों की इसमें क्रॉपिंग प्लान कर रहे हैं, जैसे अभी जो तो फार्मर्स हम लगाते हैं आसपास, पहली बार तो उनको ही लेंगे, उसके बाद किसानों की मांग को देखते हुए अलग अलग फ्लावर्स की हम क्रॉपिंग बनाएंगे और फ्लावर्स जो भी डिमांड होगी किसानों की, उनकी हम पूर्ति यहाँ से करेंगे। इसमें 2 से 3 से 4 से 5 गुना तक भी हम इसको लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्लावर के हिसाब से है। हम किसी भी कल्टीवेशन जैसे रोज का करते हैं, मैरी गोल्ड का करते हैं या ट्यूबरोज का करते हैं, तो क्रॉप वाइज अलग अलग रेट्स हैं, लेकिन उसके हिसाब से कई गुना तक हम इनकम इसमें बढ़ा सकते हैं। बता दें कि इस साल सर्दियों से पहले यहाँ देसी और विदेशी फूलों की कई प्रजातियों की पौध तैयार की जाएगी। किसान अपने मन मुताबिक भी यहाँ पौध तैयार करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने खेत में फूलों की पौध लगाने के लिए एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। सूर्य समाचार के लिए झज्जर से प्रदीप धनकर की रिपोर्ट।